नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश श्रमेव जयते। मैं हूं आपके साथ आलोक। जैसा कि आपको पता है कि श्रमेव जयते में हम बात करते हैं मजदूरों की, उनकी समस्याओं की, और सबसे बड़ी बात उनके समस्या के क्या समाधान हो सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि अधिकारी आखिर कितना सजग हैं मजदूरों की समस्याओं को लेकर। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की। लखीमपुर खीरी में मजदूरों के हालात कैसे हैं ये तो आपको दिखाएंगे, लेकिन मजदूरों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है पहले जरा मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी, लेकिन वो भी मजदूरों को नहीं मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की भारी कमी है। रोजगार न मिलने से मजदूर परेशान है और उन्हें इधर उधर समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आर्थिक तंगी से इसके चलते मजदूर जूझ रहे हैं। मजदूरों को नहीं मिल रहा सरकारी योजना का लाभ, तो जो सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं उनका भी लाभ इन मजदूरों को नहीं मिल रहा है। मजदूरों की समस्या पर कब जागेगा आखिरकार श्रम विभाग, एक बड़ा सवाल है। मजदूरों के कब सुधरेंगे हालात, कौन इनकी सुध लेगा, ये सवाल अभी भविष्य के गर्त में बना हुआ है। लेकिन हम एक जिम्मेदारी समझते हुए हम मजदूरों की समस्याओं को उजागर करते हैं, अधिकारियों से उनकी जवाबदेही भी लेते हैं। असंगठित मजदूरों का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। काम न मिलने से मजदूर परेशान हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भी इन मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मजदूर पलायन के लिए मजबूर हैं। एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना श्रमिकों के लिए चलाई गई सरकारी योजनाओं में से एक थी। इसका मुख्य लक्ष्य गांव का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देना है। और इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रतिदिन की मजदूरी और साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी भी दी जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो समय पर भुगतान न होने और कम मजदूरी दर के कारण योजना के तहत काम करने वाले मजदूर निराश हो चुके हैं। देखा जाए तो सरकार के कम बजट के कारण अब मजदूरों को 100 दिन की बात छोड़ दीजिए, 10 दिन भी काम नसीब नहीं हो रहा है। लखीमपुर खीरी में हमारे संवाददाता प्रशांत मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उनको मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय मिली। सबसे ज्यादा हालात ब्लॉक बेहजम, मजगई, तिलोकपुर सहित अन्य ग्राम पंचायतों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। मजदूरों ने बताया कि सरकार की मनरेगा योजना के तहत हमको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ने 100 दिन के काम की गारंटी भी दी थी, लेकिन हमारे यहाँ लगभग एक साल से मनरेगा के तहत काम नहीं हुआ है। इसके साथ मजदूरों ने बताया कि इस बार कम बजट के चलते प्रधान के खाते में मनरेगा के तहत रुपए ही नहीं आए हैं। इसलिए ग्राम सभा में मनरेगा का काम नहीं चल रहा है और मजदूर मनरेगा में काम भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर कृषि क्षेत्र में मजदूरी ज्यादा मिलती है जबकि मनरेगा में मजदूरी कम मिलती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लखीमपुर जिले में मनरेगा योजना का बहुत बुरा हाल हो चुका है। इस समय एक दो ग्राम सभा को छोड़कर कहीं भी इस योजना में
काम नहीं चल रहा है और मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। असंगठित मजदूर को लेकर सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ मजदूरों को नहीं मिलता है, जिसको लेकर कर मजदूरों को काफी समस्याएं होती है। वह पलायन करने को मजबूर है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनके घर में कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता है, जिसके कारण उन्हें कई समस्याएं होती है। आज हमारे साथ मजदूर यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं उनको लेकर उनके लिए चलाई जा रही है, उन्हें कोई लाभ हो रहा है या नहीं? क्या नाम है भैया आपका? सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है आप मजदूरों को लेकर कोई योजना मिली आपको? जी नहीं। क्या नाम है भैया आपका? क्या कहते हैं आपका? रेडी करते हैं। क्या कोई आपका मजदूरी पंजीकरण हुआ है? कोई पंजीकरण नहीं। कोई लाभ आपको योजना से मिला? क्या नाम है भैया आपका? आप क्या करते हैं? ये मजदूरी करते हैं, कोई लाभ नहीं और जो मिलता है वो आता है। क्या समस्याएं होती है? होते क्या है, मिला काम यहाँ पे आते हैं और नहीं मिलता, मजबूरी में काम। क्या कहते हैं, क्या नाम है भैया आपका? रहमान। क्या समस्याएं होती है आपको? समझाए गया कोई अधिकारी आपके पास आया जिसके बाद मजबूरी पंजीकरण होगा योजना के बारे में चर्चा कई समस्याएं होती है मेरे आपके घरों में? भैया क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? जो सरकार द्वारा आपको योजना नहीं मिल पा रही, सरकार आपको जो कई योजनाएं चला रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? काम नहीं आ मिलता है, दादा क्या कह रहे हैं सरकार द्वारा आपको क्या कह रहे हैं? काम तो चार दिन खाली क्या, दो तीन दिन तक बिहारी में कहाँ प्रसार करता है? अरे यार बताए, दुनिया भर की बातें हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मजदूरों को कोई भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, वह पलायन करने के लिए मजबूर है। आखिर सरकार द्वारा योजनाएं जो चलाई गई नहीं है उनका लाभ कब उठाएंगे मजदूर? मजदूर परेशान हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार ना मिलने की वजह से मजदूरों की आर्थिक स्थिति भी काफी गड़बड़ हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि मजदूरों के हालात कैसे सुधरेंगे? ऐसे में सवाल यही है कि मजदूरों के हालात कब सुधरेंगे और कैसे सुधरेंगे? लाइव टुडे के लिए लखीमपुर खीरी से प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट।